नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। बड़हरिया के कपड़ा व्यवसायी मोहन प्रसाद गुप्ता पर अपराधियों ने अंधाधुन गोली चलाई। दो गोली लगने से हुए घायल, सदर अस्पताल सिवान किया गया रेफर। बड़हरिया के कपड़ा व्यवसायी मोहन प्रसाद गुप्ता पर आज 7 बजे दो अपाची पर सवार चार बदमाशों ने अंधाधुन गोली चलाई। बताया जाता है कि दो गोली उन्हें लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें उचित उपचार के लिए सदर अस्पताल सिवा ने रेफर कर दिया। हम आपको बताते चले कि मोहन प्रसाद गुप्ता पर 18 अक्टूबर को बदमाशों ने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। मोहन प्रसाद गुप्ता इसकी शिकायत स्थानीय थाना बड़हरिया में कर दिए थे। तब से ही वह बदमाशों के निशाने पर आ गए थे। लगातार बदमाश उनका रैकी कर रहे थे, लेकिन आज जब मोहन प्रसाद गुप्ता अपने दुकान को बंद कर युवराज मैरिज हॉल के समीप टहल रहे थे कि घात लगाए बदमाशों ने उन पर अंधाधुन गोली चलाई। दो गोली उन्हें लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से सदर अस्पताल सिवान भेजा गया है। बड़हरिया थाना भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की है। उम्मीद है कि बड़हरिया थाना जल्द से जल्द इसमें संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करेगी और सख्त से सख्त सजा दिलवाने में सहयोग करेगी।